सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर एक कैपेसिटर देख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरेड, तो इन डिटेल हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जैक्टली इस वैल्यू से हमें कैपेसिटर के बारे में क्या पता चलता है, तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो कि पोलराइज कैपेसिटर है। आपको इस पे जो नेगेटिव साइन दिख रही है, तो वो उसका नेगेटिव लीड है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल है, और बचा हुआ जो भी है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसके 25 वोल्ट के बारे में। तो ये 25 वोल्ट जो इस पे लिखा हुआ है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये कैपेसिटर में हम मैक्सिमम 25 वोल्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर हम जो, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल है, और हमारे जो सोर्स के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, अगर इस पे हम अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम हम 25 वोल्ट तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर करेंगे तो हमारा कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ डैमेज हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई सर्किट है जिसका आउटपुट है 12 वोल्ट, लेकिन 15 वोल्ट, तो ऐसे सर्किट्स में हम वो कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम, जैसे 25 बोले तो हम 25 भी नहीं करते हैं, बल्कि 20 या तो 20 के नीचे वो कैपेसिटर जो वोल्टेज हो 20 के नीचे, तो वो मतलब 25 वोल्ट का कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं। बट उसका जस्ट एज अ वो, उस पे जो लिखा है 25 वोल्ट, तो हम ऐसा पकड़ के चलते हैं कि 25 वोल्ट मैक्सिमम हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आप दूसरा देख रहे हो, उस पे लिखा है 1000 माइक्रोफेरेड। तो ये 1000 माइक्रोफेरेड का क्या फंडा है, इसे हमें क्या पता चलता है? तो ये 1000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का कहना ऐसा है कि अगर उसे हम 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है, अगर 1 वोल्ट हम उस पे अप्लाई करेंगे, तो ये 1000 माइक्रो कूलम का चार्ज इसमें स्टोर हो जाएगा। हम दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ये कैपेसिटर में 1 वोल्ट, हमें जो 1 वोल्ट है अगर वो हमें राइज करना हो, अगर स्टोर करना हो, तो हमें 1000 माइक्रो कूलम का चार्ज कैपेसिटर को अप्लाई करना होगा। तो हम फॉर्मूला से भी देखते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, ये हमारा क्यू मतलब चार्ज होता है, उसके बाद सी हमारा जो कैपेसिटेंस है, इनटू वी जो हमारा वोल्टेज है। ये हमारा मतलब फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये सी मल्टीप्लाइड में आ गया यहाँ पे। तो अभी जो चार्ज है हमारा, तो चार्ज मतलब अभी कैपेसिटेंस क्या है हमारा, 1000 माइक्रोफैरेड, तो मैं 1000 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और वोल्टेज 1। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 1 वोल्ट हमें मतलब राइज करना है तो कितना चार्ज लगेगा, मतलब कितना चार्ज हम देंगे तो उसमें 1 वोल्ट वो हो जाएगा। तो जैसे आप देखते हो, मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट लिख दिया, तो हमारा आ गया यहाँ पे 1000 माइक्रो कूलम। मतलब देखो आप कि अगर मैं इतना चार्ज देता हूँ तो कैपेसिटर के अंदर 1 वोल्ट स्टोर हो जाएगा। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये कैपेसिटर में हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इतना चार्ज उसमें स्टोर हो जाएगा। हमें ये पता है कि जो ये जो लिखा होता है माइक्रोफैरेड, वो कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटेंस की एक कैपेसिटी ही बोलते हैं हम उसे। जैसे कि उसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करते हैं, तो वो चार्ज मतलब कैसे, जैसे कि 2 वोल्ट दूंगा मैं, तो फिर ये 2000 माइक्रो कूलम चार्ज उसमें स्टोर हो जाएगा। ऐसे वो चार्ज उसमें स्टोर करेगा। तो इससे जो माइक्रोफैरेड जो लिखा होता है, उससे हमें ये पता चलता है। तो मतलब आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।